शरीफ और उनकी शराफत आए। शरीफ और उनकी शराफत। सफेद पोश लोग। सफेद पोश लोग। सफेद पोश लोग। हम औरतों को भी ना बड़े फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं। घर से बाहर निकलो तो मोहल्ले की आंटियां, बहन जी ये 7 सालों की लड़की देखी है? हाय, कुछ अजीब सी नहीं लगती आपको? अरे मैं तो कह रही हूँ बिगड़ी हुई है, बिगड़ी हुई है। और वो अंकल भाई, वो तो हमारे माँ बाप को मशवरे देते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब आप ना अपनी बेटी को थोड़ा सा संभाल के रखो। आप तो जानते ही हो भाई, आजकल के बच्चे कितने तेज हैं। जरा सी ऊंच नीच हो गई तो भाई तुम्हारी मोहल्ले में ना कर जाएगी। सच कहूं तो इनके बीच में ऐसा लगता है जैसे भेड़ियों के झुंड में ना बकरी का मेमना फंस गया हो। घर से बाहर निकलो तो मन चले आ जाते हैं और पता है इस तरीके से ऑफर करते हैं जैसे सरकार बकायदा तनख्वाह देती है इन्हें हम औरतों की हिफाजत के लिए, और पूछते हैं, हाँ जी मैडम जी किधर जा रहे हो, हम छोड़ दे। वैसे मैडम जी बड़े खूबसूरत लगे, ये कलर ना आज से मेरा फेवरेट है, और कब से देख रहा हूँ कुत्तों के साथ खेल रहे हो, हमें कुत्ता ही रख लो। और अगर गलती से कोई चला जाए तो ये हरामखोर कहीं का नहीं छोड़ते। कई बार बस में ना, बिना भीड़ की बस में भी ना जाने कहां से हवा का झोंका आता है, इनका भक्तों को औरतों में धकेल देता है। और फिर ये बोलते हैं सॉरी। अब मेरे को बताओ भाई साहब, आप बताओ, एक भीड़ वाली बस में एक आम इंसान खड़ा होगा तो कैसे खड़ा होगा? ऐसे। लेकिन ये हरामखोर खड़े होते हैं ऐसे, आगे वाली औरत और पीछे वाली औरत के साथ बराबर इंसाफ करते हैं। और कुछ गलती से किसी के साथ सीट मिल जाए तो इन हरामखोरों की कोहनी हवा में हो जाती है मैडम, और ऐसे करते हैं जैसे सारे कौवे बन के उड़ जाएंगे। और अभी बात खत्म नहीं हुई, कंडक्टर, वो तो मैडम अपने हिसाब से हमें छेड़ रहे होते हैं। हाँ लेकिन वो अलग बात है, कई बार हम औरतों को खुद नहीं पता चलता कि ये साले छेड़ भी रहे हैं, और पूछते कैसे हैं, हाँ जी मैडम जी चलना। और भाई मैं सोचती हूँ कि इन सालों को उसी वक्त क्यों खुजली शुरू हो जाती है। कुछ केसेस में तो कंडक्टर ड्राइवर आपस में बातें करते हैं और बोलते हैं, वो तू करा देना था, तेरी भाभी है, भाभी है, भाभी को नहीं पता है। ऑफिसेस में बॉस तो लड़की को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे एम्प्लॉय नहीं है, उसकी दूसरी बीवी है, मगर फिर भी बदनाम औरत। अरे हमें तो शायरों ने भी नहीं बख्शा, न जाने कितनी नज़में गज़लें ऐसी हैं जिसमें औरत की बेवफाई का जिक्र ना हो ना तो वो मुकम्मल नहीं होती। बड़ी मशहूर सी किसी की लाइन है कि बेवफाई तेरा नाम औरत। खैर फिर सोचती हूँ कि ये सब बातें मैं आप लोगों से क्यों कह रही हूँ। भाई शरीफ और उनकी शराफत। Thank you.
तुमने? भाई साहब ठीक कहा ना मैंने, इसे जीने का हक नहीं है ना। दबा तुम, दबा। इन शरीफ लोगों के लिए, इन सफेद पोश लोगों के लिए दबाओ, तुम्हें मर जाना चाहिए तुम्हें। अरे यार इसे तो मर जाना चाहिए, तुम्हें मर जाना चाहिए। बचपन से ही ना हर लड़की का एक सपना होता है कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा जीवन साथी आए जो उसे सारी खुशियां दे, उसे एक ऐसा ससुराल ससुराल उसे एक ऐसा ससुराल मिले जो उसे अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करे। मगर भाई साहब वो कहते हैं ना कि सपने तो आखिरकार सपने होते हैं। इस दुनिया में वक्त से पहले कहां किसी को मिला है। हाँ लेकिन वो नसीब लिखने वाला भी कितना अजीब है ना, उसने हमें सपने देखने के लिए आंखें तो दो दे दी, मगर Thank you.
2001 वो दिन था मेरी जिंदगी का जो शायद हर लड़की की जिंदगी में आता है। चीजें कैसे बीत रही थी कुछ पता ही नहीं चल रहा था। सब बड़ा खूबसूरत सा लग रहा था। वक्त का कुछ हिसाब नहीं लगा रही थी। हाँ हाँ आ रही हूँ। तुम्हें भी मेरे बिना कुछ नहीं दिखता है क्या? उधर ही देखो ना, उधर ही पड़ा होगा। वो देखो तुम्हारे पीछे ही तो पड़ा है। दिन हफ्तों में बीतते चले गए और हफ्ते महीनों में, और एक लड़की, मेरा मतलब एक शादीशुदा लड़की, जब महीनों की बात करती है तो आप लोग तो समझते ही है ना किस बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, इतने भी बोले नहीं आप। Thank you.
निकलते हुए। वैसा ही तो भरोसा किया था ना मैंने तुम पर, क्यों छोड़ दिया मुझे? अरे सिर्फ यही नहीं, इसका बच्चा भी मनुष्य है। अरे ये सबके सब मनुष्य है, पता नहीं भैया का पाप है किसी और का है, कुछ पता भी तो नहीं है। निकालो इसे घर से वरना कुंडली मार के बैठ जाएगी। छोड़ो मुझे, देखो मैं
दाग चुनरी में दाग छुपा कैसे भर जाऊं कैसे लावा चुनरी में दाग छुपा कैसे लावा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लावा चुनरी में दाग। जीने का आसरा है तू तो वो है जिसे देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द और अपने जिस्म पे पड़ी सभी खराशों को भूल जाती हूँ। तो वो है जो मुझे उम्मीद देता है ना सिर्फ उन दुखों को सहने की जो दिखाई देते हैं बल्कि उन्हें भी जो दिखाई तो नहीं देते मगर तकलीफ सबसे ज्यादा देते हैं। तू मेरी औलाद नहीं है, मेरी उम्मीद है, मेरी रोशनी है जो कभी ना कभी मुझे गुप्त अंधेरों से कहीं दूर ले जाए जहां अंधकार और आंसू के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। मैं सच कहती हूँ बेटा, मैं सिर्फ तेरे लिए ही जी रही हूँ और आगे भी सिर्फ तेरे लिए ही जी रही हूँ। मेरा राजा है।
बड़े अच्छे से जानती हो। ये भूख ऐसी है कि बर्दाश्त ही नहीं होती।
खुदा नहीं हूँ। तेरी यादें भी है मेरे उन बचपन की खिलौनों जैसी, मैं जब जब तना होती हूँ बस लेके बैठ जाती हूँ। ये जानते हुए भी कि बस्ती वीरान है, लेकिन बस एक आदत सी हो गई है उस पार देखने की। इसी तरह वक्त बड़े अच्छे से बीत रहा था, फिर एक दिन मेरी उंगली पकड़ के चलने वाला मेरा छोटा सा बच्चा तो मुझे दुनिया दिखाने लग पड़ा, पता ही नहीं चला। बेटा
Yeah.
जवाब दो। इस चीज का फैसला आप ही लोगों को करना है और जवाब भी आप ही को ढूंढना। Yeah.